गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो हमारा मतलब चर्चा का टॉपिक है वो है, क्या आप विवाहित महिलाएं भी गर्भपात करवा सकती हैं, अपने अनचाह गर्भ को समाप्त कर सकती हैं? जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ है और नए लैंडमार्क जजमेंट के साथ में मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज हम केवल इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्या आप विवाहित महिलाएं भी गर्भपात को समाप्त कर सकती हैं, कोई भी रीज़न हो, कैसा भी रीज़न हो, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 पर एक बार नज़र मारते हैं, जिसमें जो जैसे कि इससे पहले क्या हुआ था कि जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको गर्भपात करवाने का जो नहीं था, उनको अनुमति नहीं थी। लेकिन जब लिव इन रिलेशन को महत्व ज़्यादा देने दिया जाने लगा कि अब महिलाएं भी और अदर देशों की तरह हमारे देश में भी लिव इन रिलेशन में रह सकती हैं, और उसको जब क्योंकि वो 21-22 क्या कहते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, उनका वो सीधा उल्लंघन कर रहा था। तो जब लिव इन रिलेशन को महत्व दिया जाने लगा तो चूंकि अब जो ये एक्ट था, जिस एक्ट का नाम है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, उन चीज़ों में दिक्कत आने लगी। और जब इन चीज़ों में दिक्कत आने लगी मतलब इसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ी, और फाइनली 2021 में इसका संशोधन किया गया। जब इसका संशोधन किया जाने लगा तो क्या हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा कि चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, सबको क्या नाम है, अपने गर्भ को समाप्त करने की अनुमति है। और यहाँ तक कि 20 से 24 सप्ताह के बीच का जो भी मतलब गर्भ था उनको समाप्त करने का परमिशन दे दिया गया, अनुमति दी गई थी। क्योंकि अब हम ये चीज़ तो आप समझ गए, आपका 14 और अनुच्छेद 14 और जो आपका 21 है, वह मतलब ये जो एक्ट था टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था, ये क्या कर रहा था, 14 और अनुच्छेद 14 और 21 को का उल्लंघन कर रहा था। तो क्या हुआ, अब इसमें संशोधन किया गया 2021 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मतलब सुप्रीम कोर्ट महोदय ने इसमें संशोधन करने की बात कही 2021 में। अब इसमें संशोधन क्या हुआ, जो संशोधन हुआ, जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना हुआ था सेक्शन 3B में, मतलब 3B बनाया गया, जिसमें साफ साफ इसमें अब ये कहा गया कि नहीं, आप करवा सकते हैं अगर आप विवाहित हैं या किसी, इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो गर्भपात तो वैसे तो कोई करवाता नहीं, क्या नाम है, शादीशुदा है तो किसी कारण से करवाता, जो रीज़न बहुत डिफरेंट हो, डिफ़िकल्ट हो, जैसे क्या होता है, माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं उनके परामर्श के हिसाब से बच्चे को जन्म देना माँ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आ सकता है। जैसे केरल हाई कोर्ट ने क्या कहते हैं 26 क्या कहते हैं सप्ताह का गर्भपात करवाने का परमिशन, समाप्त करने का परमिशन दे दिया, अनुमति दी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 35 सप्ताह का गर्भपात करवाने की अनुमति दे दी। केरल हाई कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की परमिशन दे दी, क्योंकि गर्भ में बहुत असमानताएँ थी और आगे जो बच्चा पैदा होता उसको कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता था, ऐसा विशेषज्ञ ने कहा जो डॉक्टर थे, ठीक है, तो इसलिए उसको अनुमति दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय लड़की के गर्भपात को समाप्त करने की परमिशन दे दी, क्योंकि पिता द्वारा उसका बलात्कार किया गया था। तो कहने का मतलब, जब ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिससे उनको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, फ्यूचर में क्या कहते हैं उनको सामान्य जीवन जीने में भिन्नताएँ आ सकती हैं, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, तो इससे सिचुएशन में कोर्ट हमारा उनका साथ देता है और परमिशन दे देता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस श्रेणी में आते कौन है, जैसे अब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कौन कौन से लोग आते होंगे
कौन है, तो उसका स्केल क्या है, मैं उस इसके मानदंड क्या है कि ये लोग कैटेगरी में आते हैं। जैसे किसी के साथ मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, अस्वस्थ हो, या जो भ्रूण होता है वो अस्वस्थ हो, भिन्नताएँ हो उसमें, असमानताएँ हो, तो नंबर एक तो ये परमिशन दिया जा सकता है उनको अपना गर्भ समाप्त करवाने के लिए। उसके बाद में आता है कोई यौन हमले या बलात्कार या रेप का शिकार हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं 24 सप्ताह तक गर्भपात करवाने की अनुमति दी जा सकती है। उसके बाद में कोई दिव्यांग हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी चाहे मानसिक मंदिता हो या कोई और चीज़ हो, बच्चा पैदा होने के बाद में हो सकता है उसकी केयर ना कर पाए, या ऐसे सिचुएशन आता है तो वहाँ पे भी दिया जा सकता है। मानसिक मंदता हो गया, ठीक है, माँ के जान, अभी जैसे कि मैंने बताया माँ के जान को खतरा हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी दिया जा सकता है। और इसलिए इसमें क्या कहते हैं, जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन किया गया 2022 में, भी बहुत सारे एडजस्टमेंट आए हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 24 सप्ताह तक क्या कहते हैं गर्भपात करवाने की अनुमति दी गई। क्योंकि अगर नहीं दी जाती, आप सोच लीजिए, अगर इन सबको अगर हम साइड रखते हैं, अगर हम थोड़ा बात करते हैं, अगर क्योंकि ये जो एक्ट बनाया गया था पहले, जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया था, इसमें क्या हुआ था, इसमें खाली जो विवाहित महिलाएं थी उनके बारे में, उनके ही अधिकार के बारे में लिखा गया था, उन्हीं को दिया गया था कि गर्भपात करवा सकती, कितने दिन का, सारे रूल बनाए गए थे। अब चूंकि लिव इन रिलेशन का कुछ ज़्यादा ही चलन चल रहा है, तो अब जो लिव इन रिलेशन बनाया गया है उसमें क्या कर रहा है, वो उसको वायलेट कर रहा था। तो ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना था वो क्या कर रहा था, उनको वायलेट कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, 3B क्या मतलब उसमें अमेंडमेंट किया 2022-21 में, अमेंडमेंट बड़ा अमेंडमेंट लाए, और उसमें ये नियम बनाया गया कि अब ऐसा होगा कि जो अविवाहित हैं वो भी प्रेगनेंसी को समाप्त कर सकती हैं, ठीक है, और उसमें कई सारे नियम बनाए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं इसका विस्तार से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टाइम कम है, अभी मुझे कोर्ट के लिए निकलना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो का, जब तक के लिए जय हिंद।